हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नरदेव बड़वाल। वेलकम बैक टू माय चैनल नरहू जोटा ब्लॉग। दोस्तों, होंडा एलिवेट के चाहने वालों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है, खासकर उन लोगों के लिए जो कि होंडा एलिवेट में सीएनजी चाहते हैं, वो भी कंपनी फिटेड। तो वीडियो ये आपके लिए रहने वाली है दोस्तों, बने रहे मेरे साथ वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है, अब होंडा अपने एलिवेट जो कि मिड साइज एसयूवी है, इसमें सीएनजी किट लगा के दे रही है, वो भी एकदम कंपनी फिटेड। होंडा इंडिया को ये काम पहले ही कर देना चाहिए, क्योंकि मार्केट की डिमांड यही है दोस्तों, और देर से आए दुरुस्त आए, क्योंकि इसके कॉम्पिटिटर मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा में सीएनजी वेरिएंट आता है दोस्तों। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि होंडा एलिवेट में वारंटी की बात करें तो 3 इयर्स और अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी स्टैंडर्ड दिया जा रहा है, और कंपनी अब सीएनजी किट लगा के दे रही है, वो भी लवेटो कंपनी की, और जिसमें आपको कोई भी वारंटी अवॉइड नहीं होने वाली है। और सबसे बड़ी बात, होंडा एलिवेट के मैनुअल ट्रांसमिशन हो या ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, उसमें आपको ये सीएनजी किट लगा के दे रही है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। ज्यादातर कंपनियां जो है मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही ऑफर करती है सीएनजी वेरिएंट, जबकि होंडा एलिवेट में मैनुअल ट्रांसमिशन एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों ही में सीएनजी किट आप लगवा सकते हैं, वो भी लवेटो की। और जहां तक बूट स्पेस की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन ऑफर किया गया है, और इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा 458 लीटर का बूट स्पेस प्रोवाइड किया गया है, कोई भी इसमें बूट स्पेस से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। और इसमें आप अगर सीएनजी किट लगवाना चाहते हैं तो 60 लीटर का सीएनजी सिलेंडर आपको मिलने वाली है, जो कि लगभग 8 किलो का रहने वाला है दोस्तों, और तकरीबन 25 kmkg की माइलेज आपको मिलने वाली है होंडा एलिवेट में। सीएनजी सिलेंडर लगाने के बाद भी 300 लीटर का आपके पास बूट स्पेस रहने वाला है दोस्तों। यहाँ पे अक्सर क्या होता है दोस्तों, जब आप आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करवाते हैं सीएनजी सिलेंडर, तो आप फिल करवाते हैं इसके इंजन कंपार्टमेंट से कुछ इस तरह राइट साइड से, जो कि बिल्कुल भी सेफ नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा चीज नहीं है। होंडा एलिवेट में जहाँ से आप पेट्रोल भराते हैं, यानी कि फ्यूल लीड जहाँ पे दिया है, वहीं से आप सीएनजी फिल कर सकते हैं, जो कि एक सेफेस्ट मोड है दोस्तों। जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, पेट्रोल फ्यूल लीड के बराबर ही यहाँ पे दिया गया है सीएनजी फ्यूल लीड, जो कि आपने टाटा के कारों में भी देखा होगा, जो कि सबसे सेफ मोड है। यही नहीं दोस्तों, इसके इंटीरियर में जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, सेंटर कंसोल में कुछ इस तरह का स्विचेस दिए गए हैं, सीएनजी में आप करना चाहो तो सीएनजी में कर सकते हैं, पेट्रोल में करना चाहो तो पेट्रोल में स्विच कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। होंडा एलिवेट में प्रोवाइड किया गया BS6 सेकेंड स्टेज RD एंड E20 कंप्लाइंट 1.5 लीटर 4 सिलेंडर IVTEC पेट्रोल इंजन, जो कि 120 BHP की पावर एंड 145 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है, और पेट्रोल में कंपनी क्लेम करती है 15.5 kmpl की माइलेज। सीएनजी वेरिएंट में तकरीबन 25 एवव kmkg की माइलेज आपको मिल जानी चाहिए दोस्तों। और ये ऑफर केवल न्यू बायर्स के लिए नहीं है दोस्तों, अगर आपके पास होंडा एलिवेट का कोई भी वेरिएंट हो, चाहे बेस मॉडल हो, चाहे सेकंड बेस मॉडल हो, चाहे मिड मॉडल हो या टॉप मॉडल हो, किसी में भी आप इंस्टॉल करवा सकते हैं, जिसकी कॉस्टिंग पड़ती है 78,000। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो सीएनजी किट है वो आपके आरसी में भी, इंश्योरेंस में भी और पॉल्यूशन में भी चढ़ जाएगा, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, वारंटी में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और जहां तक सीएनजी सिलेंडर की बात करें, उसकी वारंटी है 20 इयर्स, और सीएनजी किट की जो वारंटी है दोस्तों 1 ईयर की है। ये थी दोस्तों लेटेस्ट अपडेट होंडा एलिवेट सीएनजी वेरिएंट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, और एक लाइक तो बनता है, चैनल को सब्सक्राइब के बगैर बिल्कुल मत जाएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे रोजाना ही ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी न्यूज, रिव्यूज, टेस्ट ड्राइव्स, वॉक अराउंड, कंपेरिजन, एसेसरीज आपसे साझा करता रहता हूँ। तो चले दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।